गुल अपना मूड तो ठीक करो। तुम बताओगे कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस घूमने फिरने, ताकि कोई एनवायरनमेंट में चेंज आए जो तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए अच्छा असर होगा। अब इतनी इजाजत तो है ना मुझे। तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया है वैसे मुझे बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल करने। मेरी इतनी जरूरत मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं? मैं बस चाहता हूँ तुम कभी कभार मुझे इस चीज की इजाजत दे दिया करो। देखो मैं आज तुम्हारे साथ जा रही हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर बार जाऊँ। अच्छा चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग अच्छे के लिए? नहीं आज शॉपिंग नहीं करेंगे, बस खाना खा लेते हैं। गुल शॉपिंग तो जरूरी है, और मुझे क्या पता क्या कुछ लेना है, बाद में कर लेंगे ना शॉपिंग, अब चलो खाना खाते हैं। अच्छा चलो। इतना क्यों तड़पा रही हो रुशना? यकीन करो अब तुम्हारे बिना एक पल दिल नहीं लगता। मैं हर कीमत पे तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। जानती हो मेरी बीवी को पहली रात ही पता चल गया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बेजार था और मुझे बार बार तुम याद आ रही थी। बस इसीलिए बहुत जल्द हमारी डिवोर्स हो गई। मेरी हालत देख के तो मॉम डैड ने मुझे तुमसे फिर से दोबारा शादी की परमिशन दे दी है। आई लव यू रुशना, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। अम्मी क्या हो गया, कितना काम करा लिया दादी जान ने आपसे? पूरा किचन फैला हुआ, पहले मैंने पूरा किचन समेटा फिर खाना बनाया। ओहो ये तो बहुत जुल्म हो गया आप पे। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ रुशना। अरे मुझे क्या पड़ी है बकवास करने की, आप ही ने मुझे यहाँ पे एक घंटे से बुला के खड़ा किया है, बताएं क्या काम है आपको? तुम मुझे एक बात बताओ सच, कि तुमने जिब्रान से दोबारा बातचीत शुरू कर दी है ना? अम्मी को कैसे पता चल गया? कहाँ खो गई कुछ पूछ रही हूँ मैं? अरे मुझे क्या पड़ी है उससे राब्ता करने की, बस वो ही कभी कभार खुद ही मैसेज कर देता है मुझे। मैसेज? वो घर के चक्कर भी लगा रहा है। लगता है अम्मी ने ना देख लिया जिब्रान को। अरे अम्मी वो घर के चक्कर क्यों लगाएगा जब मेरा उससे कोई ऐसा राब्ता ही नहीं है। मेरे साथ ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है रुशना, तुम्हारी फुप्पो ने खुद उसे घर के बाहर देखा है और ये बात अम्मा को भी बता दी। क्या फुप्पो का ना दिमाग खराब हो गया? हाँ हाँ जिब्रान के पास तो जैसे बहुत फजूल टाइम है ना, वो इतना बड़ा आदमी है उसके पास कहाँ टाइम है कि वो मेरे घर के चक्कर लगाता फिरे। और अम्मी आपने मुझे ये फजूल बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, खा बखा टाइम जाया कर दिया। अरे कहाँ टाइम जाया हो रहा है इनके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने गलत देखा हो, कुछ छुपा रही है। जिब्रान आ रहा है तो कोई ना कोई बात तो है।